टॉप 3 पीवीपी मोड्स फॉर माइनक्राफ्ट एमसीपी। सो हेलो गाइस, आज मैं देने वाला हूँ आपको माइनक्राफ्ट के टॉप 3 पीवीपी मोड्स। और गाइस, जो तीसरा होगा मोड, वो मोड नहीं, वो क्लाइंट है। उससे तो आपके एफपीएस वगैरह सब कुछ बढ़ जाएंगे और आपका पूरा गेम ऑप्टिमाइज हो जाएगा। और गाइस, ये क्या मैं देख रहा हूँ, मेरे वीडियो को इतने सारे लोग देखते हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता। यार जाओ यार, जल्दी सब्सक्राइब करो एंड अपने वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोड नंबर 1। तो गाइस, जैसे ही आप मोड को एक्टिव कर लोगे, आपका यूआई कुछ चेंज नहीं होने वाला है, नॉर्मली रहने वाला है। एंड जितने भी आपके टूल्स हैं, पीवीपी जैसे कर दिए गए हैं, एकदम स्मॉल आइटम्स। ये देखो, पीवीपी के आपके बहुत अच्छे काम आएंगे। ये देखो, मस्ट है, सारे जितने भी टूल्स वगैरह सब कुछ है, सब कुछ को स्मॉल कर दिया गया है। एंड आर्मर में कोई चेंजेस नहीं, आर्मर नॉर्मली है। एंड इसमें गाइस, इस मोड में एक बहुत यूनिक चीज़ भी है, मैं आपको बताऊंगा ना। एंड ये देखो, आपको सारे ग्लास कनेक्टेड मिलेंगे। एंड यहाँ से हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, अरे देखो थोड़ा लैग कर लिया। इसको देखो, गोल्डन एप्पल के भी इफेक्ट्स वगैरह सब कुछ हटा दिए गए हैं। ये देखो, सारे इफेक्ट्स हटा दिए गए हैं। और इसमें आपको सिंपली शॉर्ट फायर मिलेगी, जिससे आपका गेम लैग नहीं करेगा। और ओर्स के ऊपर कोई ओर्स नॉर्मली और भी, एंड खाने का एनिमेशन भी नहीं है। और गाइस, इसमें टोटम गाइस जैसे छोटा, और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये देखो टेक्नो ब्लेड नेवर डाइज। देख सकते हो गाइस, माइनक्राफ्ट में भी आ चुका है अभी ये। इस मोड में आपको टेक्नो ब्लेड का मिल जाएगा, आप लोग अगर टेक्नो ब्लेड को जानते ही होंगे। एंड सेकेंड मोड को आप सब लोग सिंपली एक्टिव करोगे, कोई यूआई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद ओर्स को आप लोग देख सकते हो, आउटलाइन कर दिया गया है ओर्स में। एंड ये जो टूल्स वगैरह वो पीवीपी टाइप तो नहीं है, पर आप इससे कर ही सकते हो। एंड ये देख सकते हो, मैंने इसको लिखाना है, देखो ये बड़े बड़े वाले हैं सारे। और इन्वेंटरी उसमें नंबरिंग कर दी गई है। आर्मर्स में कोई चेंज नहीं है, नॉर्मल है। और ईटिंग का एनिमेशन हट गया है। एंड यहाँ हम लोग आगे चलते हैं, और देखो जितने भी ग्लास हैं ना आपके माइनक्राफ्ट के, सारे कनेक्टेड मिलेंगे आपको। बस जो नॉर्मल ग्लास है वो नहीं मिलेगा, बाकी सारे कनेक्टेड रहेंगे। एंड देख सकते हो, आस पास के जितने भी चंक्स वगैरह उनको कम कर दिया गया, ताकि आपका लैग कम करे। एंड ये सारे मैंने डिस्पेंसर लगाए हैं। ये देखो, ये गोल्डन एप्पल लिखना, थोड़ा लैग कर दिया मेरा गेम, चलता है ना। देखो कितना मस्त एनिमेशन है। एंड इसको मैंने खाया, कोई एनिमेशन नहीं, कोई इफेक्ट वगैरह नहीं, लैग कम होगा और शॉर्ट फायर मिलेगी आपको उसमें, देख सकते हो। अब हम लोग बढ़ते हैं मॉड नंबर 3 के ऊपर, ये क्लाइंट है उसे। सो जैसे आप लोग एक्टिव करोगे, पूरा आपका मेन्यू चेंज हो जाएगा। देख सकते हो, एकदम मस्त सा मेन्यू कर दिया गया है। प्ले सेटिंग वगैरह मस्त है, प्ले करो सिंपल। यहाँ पे बाकी चेंजेस किए गए हैं थोड़े बहुत फ्रेंड सर्वर वगैरह में। एंड यही है इसमें, और हम लोग अब जाते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको और उसमें आउटलाइन मिलेगा, और आपको कनेक्टेड ग्लास नहीं मिलने वाले हैं। और आपके लोग देख सकते हो, कनेक्टेड ग्लास नहीं मिलने वाले हैं। और आपको FPS काउंटर मिलेगा, जैसे देख सकते हो 33 FPS, 27, 19, 22, ऐसे आप लोग FPS देख सकते हो। और इसमें ना थोड़ा बहुत लैग करेगा आपका, क्योंकि थोड़ा एक क्लाइंट है ना, पीवीपी मोड नहीं है। और आपको नीचे कोऑर्डिनेट्स मिल सकते हैं, इन्वेंटरी का कुछ ऐसा ही है, इन्वेंटरी कुछ ऐसा दिखता है आपका। और टोटम, अगर टोटम भी ऐसे ही है, आप लोगों को दिखाएगा कि टोटम आपने पकड़ा है। एंड आर्मर में कोई चेंजेस नहीं, टूल्स वगैरह भी नॉर्मल ही है। और बस इसमें शॉर्ट फायर मिलेगी, लॉन्ग फायर है, पर इसमें कोई एनिमेशन नहीं है, इससे लैग डिक्रीज होगा। सो गाइस, यही था आज का हमारा वीडियो। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना, नाइस वीडियो। मैं समझ जाऊंगा आपको वीडियो अच्छा लगा है। एंड अगर आपको भी ऐसे ही बहुत सारे मोड चाहिए तो कमेंट कर देना, आपको कैसे मोड चाहिए। जावा मोड्स फॉर MCP, PVP मोड्स फॉर MCP, जावा के मोड्स। मैं आप कुछ अगले हफ्ते महीने से मैं जावा के मोड्स भी लाने वाला हूँ गाइस, तो आप लोग कर सकते हो। मैं अच्छे अच्छे मोड्स लाने वाला हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।